था, मुझे गुस्से में आकर छोड़ के चली गई है भाई। देख लो कपल कितने खुश बैठे हैं, एक मैं हूँ यहाँ पे। ऐसा ही होता है भाई, तुम जब शादी वादी हो जाती है ना, तब वो स्पार्क खत्म हो जाती है तुम्हारी। गुड मॉर्निंग टू टुडेज़ व्लॉग। तो भाई आज का दिन आई आंटी साई बजे बना रही है। मम्मी देखो आम पापड़ की दुकान खोल के बैठी है। देखो तो अभी मैं चल रहा हूँ आगे। कहाँ जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ बहुत एक्सट्रीम कट कराने। तो सरप्राइज देंगे आज, इंदा को पता भी नहीं पड़ेगा कि मैं उसको सरप्राइज देने आ रहा हूँ। आ गए, अब करते हैं एक्सपेरिमेंट। भाई स्टार्ट हो चुकी है कटाई और खतरनाक ट्रांसफॉर्मेशन होगा अभी। भाई तो हम आज लेने आ रहे हैं आंटी जी से। देखो अरे कहाँ रहे भाई, ले जाओ पहले। इधर देखो। हाय, मैं बाल कटा के आया हूँ, दिख रहे हैं? हां, कैसे लग रहे थे चौटाना? पोपट बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। इधर लग रहा हूं। हां छोटे, देखे छोटी भी बन जाती है इसकी। देखो छोटी बनेगी नहीं। हां बढ़िया लग रहा है बाल। हाँ, बहुत अच्छे लग रहे हैं। पैसे बाल कैसे लग रहे हैं? अच्छा लग रहे हैं। तू क्या बना रही है कैमरा में बोलती है बस ये। देख लो भाई, झूठ बुलवाने के पैसे लगते हैं भाई। आंटी आपने मेरी तारीफ की, चक्कर में लो छुपा लो जल्दी से। तारीफ करने के 270 रुपए लग गए मेरे। A few moments later. बिल्कुल बेकार लोग हैं ये। भाई आज वापस आ चुके हैं हम पंटरों के साथ खेलने। करो स्टार्ट, करो। भाई मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, पहला विकेट ले चुका। तूने लिया क्या? अंपायर का बेल्ट आउट है। अच्छा तू अंपायर है क्या? आउट है। अंपायर अंपायर किसी काम का नहीं होता। कैच। एक और विकेट। तो भाई अभी आ गया, मस्ती चल रही है। बोल आउट है। A few moments later. भाई टाइम हो चुका है 8 और हम निकले हैं फिलहाल शॉपिंग करने। इंदा देखो पीछे शॉपिंग कर रही है, दिख रही है क्या? बुला रही है मेरे को, इतना पैसे मांगे, बुलाते पैसे मांगे। बड़े शायद सौ ही पड़े। देख लिया, देख लो। और भैया छोटी मोटी शॉपिंग के बाद फाइनली हम मॉल के अंदर एंटर कर चुके हैं। रोजगार होते हैं उनकी तरह, अपन आगे बैठ गए यहाँ पे। मुझे गुस्से में आगे छोड़ के चली गई है भाई, मॉल में ही छोड़ के गई है। हम टू व्हीलर पे आए थे एक्सेस पे, तो एक्सेस लेके जा चुकी है घर। मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा किसी दोस्त को फोन किया, वो आएगा फिर मैं जाऊँगा घर पे भाई। देख लो कपल कितने खुश बैठे हैं, एक मैं हूँ यहाँ पे ये बैठा हुआ अकेला, कोई दोस्त आए तो आए मेरा भाई। ऐसा ही होता है भाई, तुम जब शादी वादी हो जाती है ना, तब वो स्पार्क खत्म हो जाती है तुम्हारी। शादी मत करो, मैं तो बोल रहा हूँ। गाड़ी पे ऐसे छोड़ के चली गई, अभी जेंटलमैन लोग ज़्यादा बोल भी नहीं सकते भाई। आप लोगों से शेयर करो भाई, मेरे को तो शर्म आ रही है बैठ के भी यहाँ पे। देखिए भाई दोस्त आए तो आए, और अगर दोस्त नहीं आया तो मैं तो पैदल निकल जाऊँगा भाई। वैसे तो मैं अभी हूँ CSA मॉल में, हर बारी मैं सोच रहा हूँ उधर चल जाऊँ। अरे आ गई तो जो भी बोलता हूँ मेरे वर्ड वापस लेता हूँ भाई। फाइनली निकल रहे हैं, इतनी भी दुष्ट नहीं निकली जितना मैं समझा था। 666 का वर्ड 666। गाड़ी ज़्यादा चलती है, मैंने देखा है कैसे से बराबर होता है। फ्री कराते हैं, कराते 333 आके आया। अलग अलग लोगों से मिलते हो आप यहाँ बैठे बैठे। भाई आके बैठ गए घर पे, पर एक बढ़िया बात हुई यार रास्ते में हमारे से। विंदा बताइए आपको क्या हुआ। एक भैया आया पल्सर पे और मुझे समझ नहीं आया क्या, दो लड़के थे बड़े 35-35 साल के होंगे, विंदा 30-32 साल के थे। और मैं बिना हेलमेट के था, मैं साइड में चल रहा था। वो उनकी पल्सर 220 थी मेरी, आपको पता है CBR है। मेरे साइड में आया और विंदा क्या करे बता, बोले आई लाइक इट। वो बोले आई लाइक इट, अब इससे आप बताओ क्या मतलब बनता है। लगा भाई विंदा पीछे बैठी क्या पता छेड़ बैठ रहा हो, तो मेरी वो धीरे चला रहा था, बोलने के बाद वो धीरे चला रहा था। मैंने कन्फ्यूज था, वो दिया उसको रिएक्शन। मैंने गाड़ी पास ली उसके, मैंने पूछा क्या ऐसे, मैंने क्या ही बोला ऐसे क्या, तो उसने यूँ हाथ किया और मैंने भी फिर हाथ मिलाने वाला हाथ किया उसने, तो मैंने भी हाथ मिलाया।
तो उसने बोला बस भैया आई लाइक इट। तो मैंने बोला क्या? बोले नहीं बस आई लाइक इट, ऐसे बोल के वो चला गया आगे। और मैंने ये पक्का देख लिया, वो विंटा की तरफ भी देख लिया था किसी तरह, मेरे को देख के आंखों में देख के मेरे, और ये बोल के वो निकल गया। तो भाई अगर तुम मेरा ब्लॉग देखते हो तो थैंक यू सो मच, आप मिले मुझसे, पर बोल देते तो थोड़ा यार ऑकवर्डनेस कम होती। और अगर रैंडम बोला तो यार आप लोगों में से मुझे कोई समझा दो भाई क्या बात हो गई थी, मेरी हेयर स्टाइल देख के बोला क्या? नहीं, हेयर स्टाइल मेरी बढ़िया लग रही क्या? तो भाई अब बस दिन यहीं पर समाप्त होने वाला है, बस लग ही रहा है मुझे। उसी बारे में बात करेंगे जो मैंने 3 दिन पहले उड़ाई थी। मुद्दा है आज का डिवोर्स, क्यों हो रहा है इतना डिवोर्स, क्यों मेरा डिवोर्स कभी नहीं हो सकता, क्यों ये कभी शादी नहीं कर सकता ये, और क्यों ये चाह के भी शादी नहीं कर सकता। भाई पार पहले सबसे पहले हो रही है बात पारस ठकराल के बारे में, इसके बाद से ही सारी बात स्टार्ट हुई है। पता ही नहीं पारस ठकराल जैसा इंसान सौरभ जोशी का दोस्त हो गया, तुमको शर्म नहीं आई भाई इतनी? तो गंदा दिखते हैं पहली बात तो। पारस ठकराल का डिवोर्स हो गया, लड़की क्लेम कर रही है कि वुमेनाइजर था, चार पांच लड़कियां पटाता था। तो भाई क्या हो गया, एंड टू डेट तो बोलता है चलता है ये? अभी मैं भी खड़ी हो जाऊंगी, मेरे को तो नहीं चलता ये सब। नहीं, वो एंड टू डेट को चलता है। करण डाइवोर्स हो गया, और मुझे ना नया ससदेवा पता था कौन है ना मुझे, वो तो मेरे को भी नहीं पता था उसका नाम। ये मेरे सामने वो आया शॉर्ट्स जिसमें स्नेहा ससदेवा बोलती है कि मेरा यूट्यूब चला गया, मेरी 4 साल की मेहनत चली गई, मैं एक नया यूट्यूब बना रही हूँ, बस ये वो आया था, मैंने इग्नोर मार दिया। फिर आज एक और शॉर्ट्स मेरे सामने आया जिसमें उसको थप्पड़ मारी हुई थी और ये पूरा उसका गाल यहाँ पे इतना बड़ा निशान बना हुआ था, होगा उसके थंबनेल में देख लेना। कैसे मार दिया, कैसे मार दिया? फर्स्ट वीडियो में ये था कि इसने बोला कि पारस ठकराल बहुत बड़ा वुमेनाइजर है। मैंने कहा देखा क्यों, तो वो लड़के की शादी हो गई, उसका जबरदस्ती लेके आओ, उसको पता भी नहीं है क्या बात हो रही है, आ गया बेचारा वीडियो में सपोर्ट करने। सुन तो उसका बच्चा भी है ना, हृदय नाम से 5 लड़कियों के जिससे उसने कुछ जानने की कोशिश नहीं, 5 लड़कियों ने आधे से मैसेजेस किए। जिस दिन उसने उसको थप्पड़ मारी थी है ना स्नेहा को, उस दिन वो थप्पड़ मार के घर से निकल गया बैग पैक करके ट्रिप पे, और बोला मैं बाहर सोलो ट्रिप पे जा रहा हूँ ना। तो उसकी इसने बहुत कुछ अपनी उसकी सास से ससुर से ननन से कि कहाँ गया है, बोले हमको खुद को टेंशन हो रही है, हमें कुछ पता ही नहीं कि कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। तो फिर उसने अपनी ननन का फोन देख लिया और चैट पढ़ ली, और उसके भाई से उसकी चैट हो रही थी कि मैं नहीं आया हूँ और इसके साथ ना, उसने क्या किया उसका मैसेज पढ़ लिया। तो वहाँ पे जिस जगह पे वो गया था ना, उधर से किसी उसकी कोई फैन मैन होगी, उसने इंस्टाग्राम पे उसको डीएम करा, हे आई जस्ट वांटेड टू टेल यू समथिंग, मैंने अभी अभी पारस को यहाँ देखा है, और आप तो कह रहे थे सोलो ट्रिप पे आपके ब्लॉग में, आपने कहा सोलो ट्रिप पे, बट पीछे सचिन बैठा है, सीधी बात है, वो ब्लॉग जानती होगी, उसे कभी देखा नहीं पहले, मुझे लगा आप, बट सीधी बात है आप नहीं थे और कोई था, रात पे झगड़ा हुआ उन दोनों का कि भाई तुम तो ऐसा बोल रहे थे। बड़े बच्चे को देखो मैं यूट्यूब पे इंटरनेट बहुत इन्फ्लुएंस है, इंटरनेट बहुत, जितने भी अपन ने नाम लिए वो सारे इन्फ्लुएंसर हैं, ठीक है, अब वो तो चलाएंगे ही ना यार, इंटरनेट चलाने की बात है, अब आप एक इन्फ्लुएंसर हो, इन्फ्लुएंस नहीं होना होता है यार, इंटरनेट और रियलिटी नहीं हो गया ना। चुटकुला बोला है चुटकुले। तो एक बार क्या है ना, एक लड़का होता है वो गांधी जी के पास जाता है, तो गांधी जी के पास जाके बोलता है यार मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं तो है ना अपनी नौकरी पे गवाया रहता हूँ, और लास्ट 6 महीने में मुझे ध्यान है मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा मेरी बीवी प्रेग्नेंट कैसे हो गई। तो क्या फॉरेस्ट के आसपास होते हैं, तो ऐसे लेके जाता है उसको पेड़ के पास, आया चलते हैं वहाँ पर, अपन भी पेड़ के पास चलते हैं, आया चलो भाई पेड़ के पास चलते, ये पेड़ मान लिया अपन ने,
ब्यूटी पार्लर बांध लिया भाई, फ्री प्रमोशन घर घर का पार्लर। तो पेड़ के पास पहुंच के वो बोलता है भाई वो जो तुमको वी का ये दिख रहा है डंडा, इस पे यहाँ से पत्थर मार। तो वो पत्थर उठाता है और इतना पास नहीं होता, वो दूर होता है, पत्थर उठा के यूं मारता है, उसका पत्थर उधर लग जाता है सामने, उधर वो इधर नहीं लगता जहाँ पे एरो पे लगना चाहिए, उसका उधर लग जाता है ना। नहीं नहीं वो सॉरी उधर चिड़िया होती, चिड़िया बैठी होती, सॉरी भाई मैं पहले ही बोल दिया था भाई, चिड़िया बैठी होती है ना, चिड़िया को बोलता है पत्थर से मारना है, पत्थर से मारना है, बंदूक बोलते मुझे ध्यान नहीं है देखो, तो फेंकता है वो पत्थर, तो उसका पीछे जाके लग जाए, पत्थर या जो भी बंदूक होती है वो पीछे जाके लग जाती है, दिखता है उधर पेड़ में लग गई पर उधर नहीं लगी, मेन जहाँ पे चिड़िया को लगी। हाँ। पर चिड़िया मर के गिर जाती है, चिड़िया तो मर गई, मेरा शॉट तो लगा नहीं है, है ना। तो बोले ये कैसे, बोले तुमने मारा क्या, बोले नहीं, बोले इसका मतलब, बोले किसी और ने मारा होगा, बोले एग्जैक्टली कॉन्टेक्स्ट समझ गए, ब्लॉग बना रहे हो। चलो भाई बाय बाय।